नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 मार्च। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस जगह विश्व स्तरीय चिड़ियाघर की नींव रखी? तो इसका सही जवाब है जिला कांगड़ा के बनखंडी में। दोस्तों हाल ही में जिला कांगड़ा के बनखंडी में बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की नींव मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रखी। यह चिड़ियाघर 194 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा और इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च होने वाला है, क्योंकि सरकार इस चिड़ियाघर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार होने वाले इस चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर वन्य प्राणी विभाग ने केरल और गुजरात सहित अन्य राज्यों के चिड़ियाघरों का भ्रमण करके डिजाइन को तैयार किया है। इन सब के अलावा चिड़ियाघर के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को अंडरग्राउंड भी किया जाएगा ताकि जानवरों को गाड़ियों के शोर शराबे से परेशानी ना हो सके। वन्य प्राणी विभाग ने अगले 4 साल में इस चिड़ियाघर को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पहले फेज का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इस चिड़ियाघर के लिए 30% जानवर विदेशों से लाए जाएंगे, जबकि 60% देश के दूसरे राज्यों के जानवर होंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की करंट गवर्नमेंट ने कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार द्वारा उठाया गया यह एक बेहतरीन कदम है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो की है कि हाल ही में SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी प्रदेश में किस जगह 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है? तो इसका सही जवाब है जिला बिलासपुर के नंगल डैम के ऊपर। दोस्तों हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SJVN द्वारा बनाई जा रही 15 मेगावाट की नंगल फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। दोस्तों फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत हम एग्जिस्टिंग लेक्स, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स और इवन की सी में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। यह प्लेटफॉर्म्स इस हिसाब से तैयार किए जाते हैं कि मौसम की अलग अलग कंडीशंस में भी ये सोलर पैनल्स का वेट ले सकें, जैसे कि विंड प्रेशर कम ज्यादा होना, वेव्स का आना या फिर वाटर लेवल कम ज्यादा होना। यानी कि हम आसान भाषा में बात करें तो ये सोलर पैनल्स हमेशा ही पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो दोस्तों जय पावर प्रोजेक्ट भाखड़ा बांध के आगे पंजाब में बने नंगल डैम के ऊपर बनाया जाएगा। हालांकि जय डैम पंजाब में बना है, परंतु इसके रिजर्वायर का काफी बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बनने वाले 382 मेगावाट के सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को 382 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली माध्यम से किया गया। यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर बनाया जाएगा और इसमें 2615 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था जो कि SJVN द्वारा लगाया जा रहा था, तो यह प्रोजेक्ट भी SJVN द्वारा ही लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन शिमला और मंडी जिला के बॉर्डर के पास पड़ते खैरा विलेज के आसपास बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बनने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेज में 4000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।